झारखंड में सियासी सस्पेंस खत्म, चंपई सोरेन आज लेंगे सीएम पद की शपथ। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच होगी झारखंड में नए सीएम की शपथ। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन समेत 3 लोग ले सकते हैं शपथ। कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोगला ले सकते हैं शपथ। चंपई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। जेएमएम विधायक दल के नेता चुने गए हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ने गवर्नर से की थी मुलाकात, 43 विधायकों के समर्थन का किया था दावा। आज हेमंत सोरेन के ईडी रिमांड पर पीएमएलए कोर्ट सुनाएगा अपना सुरक्षित फैसला। ईडी ने सोरेन की 10 दिनों की मांगी है रिमांड। ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। आज दोपहर 1:30 बजे रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक, झारखंड के हालात पर होगी चर्चा। जयराम रमेश का बयान, प्रधानमंत्री मोदी के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई, पीएम मोदी और अमित शाह का बदले की राजनीति में भरोसा। ईडी के सामने पेश होने से केजरीवाल का इनकार, समन को बताया गैर कानूनी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के मुद्दे पर दिल्ली में प्रदर्शन, कड़े सुरक्षा इंतजाम। आज है शुक्रवार, जुम्मे की नमाज के लिए ज्ञानवापी परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी पुलिस ने कहा वाराणसी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद, कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं। वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की हाईकोर्ट में अपील, 15 दिन तक आदेश पर रोक लगाने की मांग। पहले मुस्लिम पक्ष रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट आने की दी सलाह। व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का समय जारी, रोजाना 5 बार पूजा और आरती, सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, रात 10:30 बजे शयन आरती। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी, आज यूसीसी कमेटी सीएम धामी को सौंपेगी यूसीसी ड्राफ्ट। आज मनीष सिसोदिया की जमानत पर होगा फैसला, रेगुलर बेल मिलेगी या नहीं इसी पर अदालत सुनाएगी आज फैसला। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी तैयार, दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के नामों की घोषणा की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 16 सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की पहल। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे 33 स्कूल कॉलेजेस और सड़कों के नाम। प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा, कल राज्य को देंगे 30,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम का परमानेंट कैंपस बनकर तैयार, प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे उद्घाटन। ओडिशा में एनटीपीसी का दर्लीपाली थर्मल पावर प्लांट बनकर तैयार, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। त्रिपुरा के अगरतला में शिशु उत्सव का हुआ शानदार समापन, मुख्यमंत्री माणिक साहा भी हुए शामिल। मेघालय के शिलोंग से आई अच्छी खबर, वेस्ट कलेक्शन ई व्हीकल्स की हुई शुरुआत, सीएम कोरनाड संगमा ने दिखाई हरी झंडी। नोवेलम में सीएम प्रमोद सावंत ने फ्रांसिस्को लोइस गेम्स की प्रतिमा का उद्घाटन किया, कई मंत्री रहे मौजूद। मडगांव में सीएम प्रमोद सावंत ने किया निरीक्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले तैयारियों का लिया जायजा। शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी की पूछताछ, 10 दिनों में दूसरी बार जांच एजेंसी ने दागे सवाल। रोहित पवार से पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर के बाहर एनसीसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के नेलोर में पुलिस ने 5.12 करोड़ रुपए कैश किया जब्त, 6 लोग गिरफ्तार। मणिपुर के इंफाल से आई शानदार खबर, महिला उद्यमियों ने पेश की मिसाल, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट किया तैयार। अयोध्या से भी आई शानदार तस्वीरें, ठंड के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए उमड़े लोग। बर्फबारी पर आस्था और परंपरा भारी, गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास, मुखवा में बर्फबारी के बीच माइनस तापमान में पूजा अर्चना जारी।
शीतकाल के छह महीने के लिए गंगा जी की भोग पूर्ति शीतकालीन प्रवास मुखवा में विराजमान रहती हैं। बर्फबारी के बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गंगा मैया की हो रही है पूजा। बागेश्वर के कपकोट में जबरदस्त बर्फबारी, कपकोट के ऊंचाई वाले गांव बर्फ की सफेद चादर से लिपटे। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी, पर्यटक जमकर ले रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। रेल यातायात पर कोहरे का पड़ा असर, दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें लेट, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में छाए घने कोहरे का उड़ानों पर भी पड़ा असर, कम दृश्यता की वजह से कई फ्लाइट्स लेट। दिल्ली में ठंड का कहर जारी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठंड और ठिठुरन से निपटते दिखे लोग। गाजियाबाद नोएडा के भी कई इलाकों में कोहरे का कहर, राहगीरों को सफर में परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने, नवार घाटी से सामने आई हैं तस्वीरें। शिमला में जमकर बर्फबारी से हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, श्वेत श्रृंगार में रंगी दिखी घाटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पर्यटकों ने ताजा बर्फबारी का लिया आनंद, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हो रही है भारी बर्फबारी, बीते 40 घंटों में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के चंबा में डलहौजी में जबरदस्त बर्फबारी जारी, 2-3 फीट से ज्यादा हुई बर्फबारी। कश्मीर के गुलमर्ग में सैलानी बर्फबारी के बीच ले रहे हैं स्लेज राइडिंग का मजा, लगातार बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर। बारामूला में कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, प्रकृति ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद पुलवामा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़, बर्फबारी के बाद ट्रेन से सफर का आनंद लेने निकले लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आई शानदार तस्वीरें, बर्फबारी के बीच दौड़ती दिखी ट्रेन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, शहर में बड़ी शीतलहर। गंगोत्री और यमुनोत्री में भारी बर्फबारी, बर्फ की बिछी चादर, गिरा तापमान। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में भी स्नोफॉल, नड्डी में बर्फबारी, कांगड़ा घाटी में बारिश। मसूरी के मॉल रोड पर बर्फबारी, मौसम की मस्ती में झूम उठे पर्यटक, स्नोफॉल का उठा लुत्फ। लंबे समय के बाद टिहरी जिले में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, चिरबितिया इलाके में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ में भी बर्फबारी से गजब का नजारा, शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में भी गिरी बर्फ। चंबा में लगातार बर्फबारी जारी, पांगी किलार आदिवासी इलाके में जमकर गिरी बर्फ। लाहौल स्पीति में 3 फरवरी तक स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी, भारी बर्फबारी के चलते लिया गया फैसला। लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवाल की शुरुआत, जश्न ए फतेह कार्निवाल की हुई ओपनिंग सेरेमनी। राजस्थान के करौली में मौसम ने फिर बदली करवट, शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई ठंड, लोग घर में दुबके। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी कोहरे और ठंड की दोहरी मार, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी राहगीरों की मुश्किलें। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का किया शुभारंभ, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में किया उद्घाटन। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ। चुरू में 7 जन्मों के बंधन में बंधे आईपीएस देवेंद्र और आईएएस अपराजिता, खसौली गांव से भरतपुर गई बारात, 1 रुपए और नारियल में शादी कर हेलीकॉप्टर से ससुराल विदा हुई आईएएस दुल्हन। राजस्थान के प्रतापगढ़ को 1 मंदिर में मिलता है पापों की मुक्ति का सर्टिफिकेट, श्रद्धालु पाप मुक्ति के लिए करने आते हैं स्नान, सरकारी कर्मचारियों का ट्रस्ट लगाता है मुहर। बोधगया के महावीर में दर्शन के लिए रखे गए हैं भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अस्थि कलश, दर्शन के लिए देश विदेश से उमड़े श्रद्धालु, अस्थि अवशोध को देख चुके श्रद्धालु हुए भावुक।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी ने गर्भवती महिला का किया सफल रेस्क्यू, बर्फबारी के बीच फंस गई थी महिला। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी लोकसभा इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन किया, साथ ही उन्होंने ऑडिट विभाग की नई बिल्डिंग का भी शुभारंभ किया। उत्तराखंड वर्ल्ड बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसों में रामायण पढ़ाने का लिया फैसला, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने भी किया इसका समर्थन। पटना से अयोध्या के लिए आई डायरेक्ट फ्लाइट, यात्रियों का एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में बनेगा हाईटेक और स्मार्ट पुलिस स्टेशन, स्मार्ट पुलिसिंग पर होगा सरकार का जोर। अयोध्या में सजावट का दौर जारी, हनुमानगढ़ी प्रवेश मार्ग पर लेजर लाइट लगाई गई, रोशनी से सराबोर प्रवेश मार्ग। ज्ञानवापी में व्यास गद्दी की पूजा होने पर कानपुर में भाजपा नेताओं ने शिव मंदिर की पूजा, शिव भक्ति में लीन दिखे नेता। किसान कारवा से किसान ने सीखा कृषि से कैसे करे आमदनी दुगनी, जाने खेती किसानी के सही मायने। पिछले 12 नवंबर से बंद पड़े सिलक्यारा टनल में दोबारा से चहलकदमी शुरू, मिनिस्ट्री और एनएचआईडीसीएल के निर्देशों के बाद पोलगांव वाली साइड से काम शुरू। पुणे में बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप में बॉम्बे स्पेसेस के युवा 12 शताब्दी के पुनर्मिलन समारोह का हुआ आयोजन।